हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम एक बहुत ही सटल लुक करेंगे। यूजुअली हमें बोल्ड लुक करना आता है बट हमें नहीं आइडिया होता कि सटल लुक कैसे करना है। तो आज हमने अपने क्लाइंट पे बहुत सुंदर सा सटल लुक किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हमने लगाया है टार्ट का कंसीलर एंड जो शेड हमने यूज़ किया है वो लाइट मीडियम, एंड उसके साथ हमने एक ब्रश यूज़ किया है जिसके साथ हम ब्लेंड कर रहे हैं। जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं ये रियल टेक्निक का है। आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं रियल टेक्निक का ब्रश बहुत यूज़ करती हूँ। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है बिकॉज इसमें हम सटल सा लुक करेंगे, एलिगेंट सा लुक करेंगे, जो कि हर क्लाइंट ऑलवेज चाहता है। सो सबसे पहले हमने वेरी लाइट सा ब्राउन शेड लिया है विद अ ब्लेंडिंग ब्रश, और जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं ये मॉर्फी का ब्लेंडिंग ब्रश है। एंड दोनों आइज़ पे अभी हम सेम शेड ही स्मज कर रहे हैं। सो वी आर ब्लेंडिंग द कलर लाइट ब्राउन, थोड़ा सा ब्राउनिश सा हम शेड मिक्स करके ब्लेंड कर रहे हैं। ट्रांजिशन एंड क्रीज पे हमने थोड़ा सा ब्लेंड किया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा क्लोजअप में हम आ गए हैं। एंड जो ब्रश है वो हम बार बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है एरिया इसका बड़ा है तो आप बड़ा ब्रश यूज़ कर सकते हैं, अगर छोटा तो आप छोटा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। देन हम यूज़ करें फॉरएवर 52 की ब्राउन पेंसिल। ये ब्राउन पेंसिल बहुत काम आती है गाइस जब भी आपको सटल मेकअप करना है, बिकॉज बिल्कुल भी बोल्ड लुक नहीं देता है एंड ऑल्सो काजल लुक भी देता है। सो हमें बहुत अच्छा लगता है ब्राउन पेंसिल यूज़ करना। तो आप किसी भी ब्रांड में यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल हमने जो यूज़ किया था ब्रांड वो था फॉरएवर 52। देन उसके बाद हम थोड़ा सा मैट शेडो, स्किन शेडो ले रहे हैं एंड वो आईज पे अप्लाई कर रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ही हम एक मैट शेडो अप्लाई कर रहे हैं। जब आप इस लुक को बाद में देखेंगे आपको ये लुक बहुत सुंदर लगने वाली है बिकॉज मैट आई मेकअप बहुत 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 सुंदर लगता है। सो अभी हम उसी प्रोसेस पे हैं इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए। तो जब भी हम मैट आई मेकअप करते हैं गाइज मेक श्योर कि आपका आई मेकअप बहुत अच्छे से स्मज होना चाहिए, बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट होना चाहिए। तो हम ब्लेंड आउट ही कर रहे हैं। तो हम छोटा ब्रश यूज़ कर रहे हैं, जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं ये प्रो आर्ट का है। एंड इसके बाद हम फेस को थोड़ा क्लीन कर रहे हैं। कोई भी वेट वाइप आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आई मेकअप कितना गॉर्जियस लग रहा है। एंड देन वी आर यूजिंग स्मैशबॉक्स प्राइमर। ये प्राइमर बहुत अच्छा है, ये हर एक स्किन टाइप पे चला जाता है, चाहे वो ड्राई है चाहे वो ऑयली है। जस्ट आप इसको एक्स्ट्रा ड्राई स्किन पे अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्राइमर बहुत 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 अच्छा है। देन इस प्राइमर को हम ब्लेंड कर रहे हैं विद अ फ्लैट ब्रश, एंड अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं स्किन पे। देन वी आर यूजिंग अ कंसीलर जो कि है वार्म सैंड फ्रॉम टू फेस। टू फेस के कंसीलर्स का मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको इसमें शेड्स जानना है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको शेड्स बता दूंगी। गाइज हमारी वीडियो पे थोड़ा सा लेट रिप्लाई चलता है बिकॉज थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बट जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं ऑलवेज़ रिप्लाई करती हूँ। तो अभी हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं विद अ ब्रश। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, हम एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपने ब्लेंड 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 करते रहना है। अंडर आइज पे भी हमने अप्लाई किया है, हमने फरहेड पे भी अप्लाई किया है, हमने अराउंड द चिन अप्लाई किया है। सो गाइज जहाँ पे आपको लगता है बहुत ज़्यादा डार्क एरिया है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने एक डार्क कंसीलर लिया है, अगर आप ऑरेंज लेना चाहते हैं आप ऑरेंज कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं अभी कि आई मेकअप कितना प्रिटी लग रहा है। एंड वी आर स्टार्टिंग एट द बेस। जो बेस में हम फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं ये हमने थोड़ा सा हुडा एंड नार्स को मिक्स किया है। जो हुडा का शेड हम यूज़ कर रहे हैं वो है पंजाब, एंड जो नार्स का जो हम हुडा का शेड यूज़ कर रहे हैं वो है 240, एंड जो पंजाब हम यूज़ कर रहे हैं वो नार्स का शेड है। एंड दोनों को हमने थोड़ा इक्वल क्वांटिटी में लेके ब्लेंड किया है। एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमने नहीं लिया है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लिया है एंड ऑल ओवर द फेस उसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं हम डैबिंग कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी फाउंडेशन को ड्रैग नहीं कर रहे हैं। गाइज अगर आप अपने फाउंडेशन को ड्रैग करोगे तो फाउंडेशन ऑलवेज अपनी जगह से हिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप फाउंडेशन को ऑलवेज डैब करें जैसे हम कर रहे हैं। देन वी आर यूजिंग अ कंसीलर, और जो कंसीलर हम यूज़ कर रहे हैं अगेन ये टू फेस्ड का है एंड इसका शेड है पर्सिलियन। पर्सिलियन बहुत अच्छा शेड है फॉर थोड़ा सा फेयर में। एंड उसके साथ हमने थोड़ा सा लाइट बेज मिक्स किया है. सो अगेन वी आर ब्लेंडिंग विद द ब्रश. अगर आपको ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना है, आप ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं. तो वेरी ईजी है गाइज. वो कुछ भी पूछना हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है. मैं ऑलवेज़ यूजली ट्राई करती हूँ कि मैं वॉइस ओवर करूँ अपनी वीडियोस पे, बिकॉज़ वॉइस ओवर करने से मैंने नोटिस किया है कि जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. सो आफ्टर दैट हम ब्लश यूज़ कर रहे हैं. ये जो ब्लश है ये कोई एक्स्ट्रा ब्लश नहीं है, जस्ट एक लिपस्टिक, एक पिंक कलर के लिपस्टिक को हम एज अ ब्लश यूज़ कर रहे हैं. दैन आफ्टर दैट हम थोड़ा ऊपर ऊपर से स्मज कर रहे हैं सो दैट जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाए. तो इसके लिए हम एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं. जो ये ब्लेंडर हम यूज़ कर रहे हैं ये Forever 52 का है, बहुत ही अच्छा ब्लेंडर है. एंड आफ्टर दैट हम अंडर आइज़ पे पाउडर लगाएंगे जैसे हम लगा रहे हैं, एंड हम लाफ लाइन्स पे पाउडर लगा रहे हैं. तो गाइस हमारा बेस आप देख सकते हैं कितना नेचुरल लग रहा है, एकदम हेवी हेवी नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा नेचुरल लग रहा है. एंड क्लाइंट इसको बहुत लाइक करने वाला है डेफिनेटली. सो हम आइज कंप्लीट कर लेते हैं. इतनी देर बेस थोड़ा सेटल हो जाएगा तो हम एक पेंसिल ब्रश के साथ डाउन एरिया पे थोड़ा सा शैडो जो है वो स्मज कर रहे हैं. एंड उसके बाद हम थोड़ा सा काजल फिल करेंगे. एंड गाइस जो हम काजल फिल कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम Forever 52 एंड दिस इज़ अगेन अ ब्राउन शेड. अगर आपको लगता है कि ब्लैक आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड लगता है देन यू कैन गो विद अ ब्राउन काजल. सो आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, हम मस्कारा कर रहे हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मस्कारा नहीं कर रहे हैं बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में मस्कारा करोगे तो मस्कारा जो वेट होता है वो नीचे लग जाता है एंड वो बिल्कुल भी क्लीन लुक नहीं देता. सो अब हम आईब्रोज़ पे आ गए. क्लाइंट को आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा नेचुरल चाहिए थी तो जस्ट अभी हमने टिंट किया है, वेरी लाइट सा टिंट किया है, बिल्कुल भी डार्क टिंट नहीं किया है. एंड लैशेज़ भी हम बहुत लाइट लगाने वाले हैं, आप देखेंगे अभी आने वाले टाइम में. देखो तो अभी हम लैशेज़ लगा रहे हैं एंड वेरी लाइट सी लैशेज़ हमने यूज़ किया है. लैशेज़ को हम टचअप भी देंगे. तो टचअप हम दे रहे हैं लाइनर के साथ. आप कोई भी आई लाइनर यूज़ कर सकते हो. बेसिकली जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एक लिक्विड लाइनर है. सो गाइज हमारा मेकअप बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, जस्ट फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट. एंड हम लिप कलर अप्लाई कर रहे हैं. सबसे पहले तो जो हमारे लिप पेंसिल है वो कलर बार की है एंड द शेड इज़ चॉकलेट ब्राउन. आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में मैंने ऑलवेज़ ये कलर बहुत यूज़ किया है. एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग माई फेवरेट पैलेट एंड उसमें से हमने एक शेड पिक किया है लाइट पीच. एंड लाइट पीच शेड सा हम अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज हमारे क्लाइंट को बहुत न्यूड एंड सटल लुक चाहिए. सो गाइज आप देख सकते हैं कि आई मेकअप एंड एवरीथिंग इज लुकिंग सो परफेक्ट. सो हेयर्स अ लुक. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट. डू सब्सक्राइब.